एक शख्स कराची में ऐसा भी है जो बिना मादा सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा है। एक हादसा हुआ था, मेरे वालिद साहब के साथ अटैक हुआ था, तो हम लोग एम्बुलेंस में आ रहे थे, तो एम्बुलेंस में फंस गए थे बहुत, क्योंकि तरीके से ट्रैफिक भी जाम थी। बिना मुआवजा ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये यहाँ पे रेगुलर आते हैं और अपने फराइज अंजाम देते हैं। बड़े मुश्किल काम है, ट्रैफिक कंट्रोल करना भी और जमा जमा करना बड़ा मुश्किल है। लोग मिल जाते हैं, मैंने खुद कभी नहीं कहा कि मैं उड़ीसा हूँ या मेरे घर मिलती है। सर वैसे इसके अलावा जो है वो आपका क्या काम है, कोई जरिया माश क्या है? बसों में आता हूँ, बसों में जाता हूँ, मैं न किसी से कुछ लेता हूँ, कुछ आज तक एक शेड के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला था। रहा गर्दिशों में हर दम मेरा इश्क का सितारा, कभी जगमगाए कश्ती कभी खो गया किनारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दर्शक के साथ मैं हूँ मामजरा। नाज़रीन, सर्दी की इस वक्त सर्द रातें हैं, कोई भी इंसान बिना मतलब के या बिना काम के अपने घर से नहीं निकलता, लेकिन एक शख्स कराची में ऐसा भी है जो बिना मादा सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का काम कर रहा है। रेगुलरिटी से यहाँ पर आते हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंप्रेस मार्केट वाले रोड पर, जो मेन शाहरा है इंप्रेस मार्केट की, यहाँ पर मौजूद हूँ। भाई इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्या राज है या ऐसी क्या कहानी है इनकी, जो बिना मुआवजा ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये यहाँ पर रेगुलर आते हैं और अपने फराइज अंजाम देते हैं। अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू सर, क्या नाम है आपका? जरीन खान नाम है मेरा, और तकरीबन मैं ये 2018 से मैं कर रहा हूँ ये काम। एक हादसा हुआ था मेरे वालिद साहब के साथ, जो उसमें वो क्या कहते हैं अटैक हुआ था, तो हम लोग एम्बुलेंस में आ रहे थे, तो एम्बुलेंस में फंस गए थे बहुत, तो जिस तरीके से ट्रैफिक भी जाम थी। उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि वो चलो यार एक नेक काम है, नेक काम तो मैं खैर करता हूँ शुरू से, ये बचपन से कर रहा हूँ, अभी से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ये नेक काम ऐसा ही कि है, ट्रैफिक का बड़ा ख़तरनाक काम भी है और बड़े मुश्किल काम भी है, तो मैंने कहा चलो इसको देखते हैं। तो फिर मैं जब शुरू से मैं यहाँ आया था, तो बड़े लोगों ने तनकीदें भी की थी। उसके बाद फिर एक DSP से मेरी दोस्ती हो गई, तो मुझे बोला कि आप कौन सी एजेंसी है, कि मैंने कहा सर एजेंसी मेरी कोई नहीं है, बड़ा मैं अल्लाह की एजेंसी की तरफ से आया हूँ, उसकी तरफ से काम कर रहा हूँ। उनने पहले मुझे अप्रिशिएट किया कि ना ठीक है भाई आप काम करें, इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। फिर सारे ट्रैफिक ने सपोर्ट किया मेरे को, बड़े मतलब अच्छे तरीके से पेश आते हैं भाई, अच्छे तरीके से वो करते हैं। बड़े मुश्किल काम है ट्रैफिक कंट्रोल करना भी, और ट्रैफिक जो है ना वो रवा दवा करना बड़ा मुश्किल है। इनकी हिम्मत होती है, ये काम करते हैं, रोड पे खड़े होते हैं, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो चाहे वो रमजान हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, ट्रैफिक जाम में खड़े होते हैं। बड़ा मुश्किल काम होता ही है, लेकिन बहरहाल कोशिश तो हमारी ये थी कि इंशाल्लाह शुरू से मैंने ये काम किया है, लेकिन मुश्किल तो बहुत थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और माशरे में ये देखा जाता है कि आजकल कोई भी जो है ना छोटा सा काम भी बिना इनकम के या बिना सैलरी के बिना पैसे के नहीं करता, लेकिन आप यहाँ पे रेगुलरिटी से आते हैं। कहते हैं ना कि किसी की मौत के वक्त भी जो है ना कोई काम आता है, तो वो पैसों के बस काम आता है, ऐसे काम नहीं आता। क्योंकि बात यह है कि आजकल भाई भाई का काम नहीं हो रहा है, और मतलब कोई किसी का काम बहुत मुश्किल है यार। समझ लो कि 95% लोग जो बेस हो गए सिर्फ पैसों की दौड़ में लगे रहते हैं। तो मेरे दिल में एक बात ये ख्याल इसलिए आता कि एक तो एक ट्रैफिक कराची का ट्रैफिक बड़ा मुश्किल भी है, और दूसरी बात ये है कि मैंने कहा चलो यार एक नेक काम भी करने के बाद टाइम भी था, मेरे बेस का इंतकाल हुआ था, 3 साल में वो जो कोर्ट का टाइम था ना वो तकरीबन सुबह 8 बजे जाते थे, तकरीबन 4-5 बज जाते थे। फिर मैंने सोचा मैंने कहा चलो यार एक काम ऐसा है कि ये करना चाहिए, और मैंने किया। बाकी था आता था 5 बजे में आता था यहाँ पे, 5 बजे से लेकर तकरीबन 9-10 बज जाते थे मेरे को हमेशा। तो इस तरीके से मैंने बड़ी कोशिश भी की, और फिर शुरू में जब मेरे लोग मुझे मिलाते थे CM से, या आपकी शक्ल CM साहब से मिलती है, तो मुश्किल तो नहीं हुई, लेकिन बड़ा मुश्किल तो बहुत है, इसलिए कि ये काम बड़ा मुश्किल भी काम है। दूसरी बात ये कि लोगों को समझाना, लोगों को गाइड करना और लोगों को मतलब बताना, तो काफ़ी लोग मेरे साथ कॉपरेट भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, और जब से मैं मीडिया पे आया हूँ तो जब से लोग और करते हैं मेरे कहते आप मुझसे नुकी वजह हो, आप मुराद शाह से मिलते हो, तो मैंने लोग मिलवाते हैं, मैंने खुद कभी नहीं कहा कि मैं मुराद शाह हूँ या मुराद शाह से शक्ल मिलती है, लोग मुझे मिलवाते हैं उनसे ना, कि 2-3 दफ़ा यहाँ से गुजरा भी तो उनकी गार्ड ने उनको प्रोटोकॉल ने बड़ा अप्रिशिएट किया मेरे को, मैंने कहा आप शाह साहब से रिक्वेस्ट करें हमारे, मैं आपके चैनल से भी थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा, आपसे मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको बुलाएं, कुछ इस तरीके से मेरे मुआवजा तय करें, इसलिए महंगाई इतनी हो रही, मैं किराए के घर पर रहता हूँ, बड़ी मुश्किल होती है आजकल के, और बसों में आता हूँ, बसों में जाता हूँ, मैं न किसी से कुछ लेता हूँ, मैं कुछ आज तक एक शीट के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला था, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की तरफ से मुझे मिला था, रिजवान साहब ने दिया था मेरे को।
भी एडिशनल आई जी पी आते हो जवाहरलाल मोदी आए थे उस वक्त डी आई जी ट्रैफिक भी थे उस वक्त सारे एस पी थे उनके भी शुक्रगुजार हूँ रिजवान साहब के भी उसने मुझे शीट दी थी और उसके अलावा मुझे कुछ अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से 5 साल हो गया ना मैंने इससे पहले मांगा था लेकिन अब मेरी मजबूरी है इसलिए मजबूरी है कि मेरे बेटे की शादी हो रही है और दूसरी बात है कि इतनी महंगाई है और मसले मसाइल बहुत है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब देखो मैं इतना बाकी था मैं आता हूँ टाइम निकाल के मैं आता हूँ बाकी था इन चीज़ों के लिए इन काम के लिए मैं आता हूँ बाकी था मैं इनके साथ शाना बशाना कराता हूँ और बाकी था कोशिश में बहुत करता हूँ इस चीज़ों के लिए कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ लोग कर रहा हूँ मैं मैंने अल्लाह के लिए काम किया और अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि मुझे इस काम का सिला मुझे जरूर मिलेगा तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप रुके बेटा आप अपना एनआईसी रखें अपना सीट बेल्ट लगवाएं मोबाइल पे खास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा डी आई साहब से कि सर इसके लोकस ले लें ये लोग मोबाइल में बातें करते हैं वो इसमें एक्सीडेंट का बायस बन जाता है तो बाकी मैं बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपना मोबाइल जो है ना कम से कम वो ना करें खास तौर पर ड्राइविंग करते हैं आप लोग उस वक्त आप मोबाइल फ़ोन ना सुने और बाइक वाले से कहता हूँ सबसे कहता हूँ अपनी एलआईसी रखें अपने सब चीज़ें रखें और कानून को फॉलो करें इसलिए कि कानून वाला हमारे साथ खड़े होकर शाना बशाना खड़े होते हैं इनको आप अप्रिशिएट करें ये अच्छे लोग हैं ये बुरे लोग नहीं है आप साउंड से करते देखें इसलिए कि सुबह से लेकर रात तक ही बेचारे खड़े होते हैं चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो सर वैसे इसके अलावा जो है वो आपका क्या काम है कोई बेटा जरिया माश क्या है जरिए माश ये था कि मेरे बच्चे दो काम कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है तो उससे मेरे घर चल रहा है फिर मेरा अपना थोड़ा गारमेंट्स का काम है लेदर वैलेट का काम है मेरा बेल्ट का काम है जहाँ आजकल तो नहीं है खैर कम है लेकिन मेरे बुरा हो जाता है लेकिन फिर भी उससे आपको पता है कि जब एक जेब में पैसा होता है अमाउंट होता है सब जब जब जाके कोई चीज़ आप खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं या फिर पार्टी को दे सकते हैं तो आजकल तो वो चीज़ नहीं है बहुत कम है महंगाई इतनी हो गई है और कारोबार भी इतना खास नहीं है तो मेरे सीएम साहब की रिक्वेस्ट है कि सर मैंने जो 5 साल से गुजार लिए और मेरे अल्लाह के लिए किए लोगों की खिदमत की मैंने इन कराची वालों को लिए किए कितने बजे आते हैं यहाँ पे कितने मैं तकरीबन डेली आता हूँ तकरीबन 5 बजे आता हूँ 5 से लेकर संडे के अलावा मैं नहीं आता हूँ बाकी संडे छुट्टी करता हूँ मैं बाकी हर दिन मैं यहाँ पे होता हूँ ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है ये हमारी बदनसीबी जो नहीं तो और क्या है कि उसी की हो गए हम वो न हो सका हमारा रहा गर्दिशों में हर दम मेरा इश्क का सितारा कभी जगमगाए कश्ती कभी खो गया किनारा रहा गर्दिशों में हर दम मैं समझा सकता हूँ लोगों को बता सकता हूँ और लोगों को मतलब अच्छी एडवाइस दे सकता हूँ ट्रैफिक की तरफ से भी और ट्रैफिक वाले की तरफ से भी और ये लोग अच्छे लोग हैं आप सिग्नल पे रुकें सिग्नल नहीं तोड़े अपना एनआईसी रखें अपना लाइसेंस रखें सीट बेल्ट लगाएं हेलमेट रखें हेलमेट पहने जरूरी है आप हादसे से बचाएं अल्लाह ताला हम सबको बचाए अल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान पे रहम करें हम सब पे रहम करें और अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे बेटा जब आप आइए इतने दर्दी में 5 साल से बाकायदगी से काम कर रहे हैं और इसमें इनकी कोई भी भलाई नहीं इनका कोई भी फायदा नहीं है सिर्फ एक हादसे के बाद इन्होंने इस बात का फैसला किया कि मैं इस काम में जो है वो हिस्सा लूंगा और इस काम को मजीद अगर बेहतर एक जगह का रोड भी अगर बेहतर बना सकता हूँ तो ये इनके लिए सदका जारिया है उन्होंने 5 साल इन्वेस्ट किए तो अब इनका हक बनता है कि इनके लिए हुकूमत कुछ सोचे ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत से इनको सपोर्ट करे क्योंकि इन्होंने अपने दिल से और अपने ईमान से ये काम किया तो इनको लाजमी सपोर्ट करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी आवाज़ जो है वो मुराद अली शाह तक पहुँच सके।